Assalamualaikum and welcome to our channel Literally Foodie. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ बहुत फेमस नान हताई, जिसके लिए हमें चाहिए मैदा. ये हमने 2 कप लिए. देसी घी जो हम लेंगे 1 कप. सूजी, बेसन, बेकिंग पाउडर, बादाम और पाउडर शुगर. ये शुगर को हमने पाउडर बना लिया हुआ है. आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं इसमें घी लूंगी. ये मशीन मैंने ले लिया, आप इसको वैसे भी कर सकते हैं. अब इस घी के अंदर मैं 1 कप पाउडर शुगर डालूंगी और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. मेरे पास ये वाली मशीन है, आप इसके अलावा हाथ से भी कर सकते हैं. ये मेरा शुगर का और घी का मिक्सचर रेडी हो गया. ये आप देखें, इस तरीके से हमने एक सॉफ्ट सा मिक्सचर चाहिए. अब इसके अंदर मैं मैदा डालूंगी. मैंने 2 कप मैदा लिया था और हमें इसको घी के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से गूंदेंगे. साथ ही आप ये जो बेकिंग पाउडर हमने लिया था वो डाल दें. 1/2 टीस्पून मैंने इसमें वो डाला है बेकिंग पाउडर. इसके अंदर मैं साथ ही डालूंगी ये 2 टीस्पून मैंने लिया हुआ है सूजी, ये डालूंगी. 1.5 टीस्पून मैंने लिया है बेसन और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर. ये हमारा मिक्सचर देखिए रेडी हो गया हुआ है. अब मैं इसके अंदर बादाम डालूंगी. आधे बादाम मैंने अच्छी तरह क्रश कर दिए और आधे मैंने थोड़े से क्रश किया और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. इसको ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी, हमने ओवर मिक्सअप नहीं करना. ये मिक्सचर को मैंने निकाल लिया, ये बिल्कुल ये देखें सॉफ्ट सा हो गया. इसको अब हम नीचे फ्लोर पे डालेंगे. आप अच्छी तरह से नीचे शेल्फ को साफ कर लें और इसको नीचे डाल दीजिएगा ताकि हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें. ये देखें, ज़्यादा सख्त नहीं करना और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए. ये देखें अच्छी तरह से इसकी एक शेप बन जाएगी, इसी तरीके से हमें चाहिए. अब मैं आपको इसकी शेप बना के दिखाती हूँ. ये मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया. मैं अमूमन इसी नमक को यूज़ करती हूँ. आप पहले मेरी पुरानी रेसिपीज भी देखी होंगी, इसी में मैंने बेक की हुई है. इसको हम लोग 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख देंगे. नॉर्मल टेम्परेचर आपने रखना है, लो टू हाई वाला. आइए अब बिस्किट्स को शेप देते हैं. छोटा छोटा सा खाली आपने बोल बनाना है, इतना ज़्यादा हमने बड़ा नहीं करना. इसको अच्छी तरह से सर्कल की शेप दे दें ऐसे करके. इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला हुआ है तो वो बहुत अच्छी तरह से फूल जाए. रखने के बाद इसके ऊपर हम बादाम लगाएंगे. इस तरीके से हम बादाम को प्रेस कर देंगे. इसी तरीके से मैं बाकी सब भी बनाऊंगी. ये आप देख सकते हैं बिस्किट्स हमारे रेडी हो गए हैं. अब मैंने बेकिंग ट्रे ले लिया है. इस बेकिंग ट्रे को मैं अच्छी तरह से बटर से वॉश कर दूंगी, अच्छी तरह बटर लगा दूंगी और इसको लगाने के बाद इसके ऊपर हम बिस्किट्स रखेंगे. मैंने बादाम सब नहीं लगाए थे ताकि मैं आपको दिखा दूं बाद में. हम आराम से बिस्किट्स को रख देंगे. अब हम बादामों को पकड़ के हल्का सा प्रेस करेंगे. इसी तरीके से हम सब बिस्किट के ऊपर इसको लगा देंगे. आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे बनते हैं. और सबसे अच्छी बात है कि हम इसको ओवन के बगैर बना रहे हैं. इसके बाद अब मैं इसके ऊपर एग वॉश करूँगी. ये मैंने एक जर्दी ले लिया है अंडे की. इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसको हम बिस्किट के ऊपर लगाएंगे. अब मैं बादामों को अंडे की जर्दी से ब्रश कर दूंगी. इसको हमने पतीले में रखना है पकने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए. बहुत अच्छे बिस्किट बन जाएंगे. ये लाहौर के फेमस बिस्किट्स हैं, आपको पता होगा खलीफा के बिस्किट. बहुत हम तो जब भी जाएं लाजम खाते हैं, मंगवाते लाजम हैं. बिस्किट्स की ट्रे जो है मैंने वो पतीले में रख दिया. अब इसको मैं कवर कर रहा हूँ. इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं. ये देखिए, ये मेरे पास कुकी शेपर्स पड़े हुए हैं. अब मैं इसको आपको बनाना दिखाऊंगी, सिखाऊंगी. ये मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा बना रही हूँ, उनको थोड़ा डिफरेंट शेप्स के लिए.
ये वाले शेप को मैं इसको इस तरीके से प्रेस करके इसकी शेप बना लूँगी, साथ ही दूसरी वाली भी इसके साथ एडजस्ट कर लूँगी। जहाँ आपका बिस्किट आएगा वहाँ थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसको थोड़ा सा आगे पीछे टर्न करें तो वो निकल आएगी। इसी तरीके से ये देखें बिस्किट, वो बादाम बड़ा था हमारा इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी वाली भी डालेंगे, सिर्फ बादामों को देख के आप कर लीजिएगा। और ये हार्ट वाली शेप दूंगी, और इसको ये वाली शेप दूंगी। अब मैं आपको इसको सबको निकाल के दिखाती हूँ। बच्चों के लिए आप इसको डिफरेंट शेप्स में बना सकते हैं, जैसे मैंने भी बनाया है, जरूर ट्राई कीजिए। ये देखें हमारे बिस्किट्स रेडी हो गए, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आज की हमारी नान हिताई तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मजीद रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी रेसिपीज टाइमली आपको मिल सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।